हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत हो गई है, जैसे मैंने बोला था। तो हम ससुराल आ गए हैं और यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, तो इस वजह से उनके लिए बना उनके लिए क्या मतलब सभी इस समय कर लेते हैं। यहाँ से वहाँ से थोड़ा जल्दी जाते हैं, यहाँ से थोड़ा लेट जाते हैं वो, तो इस वजह से यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। झाड़ू मेरी लग गई है अभी तक। झाड़ू मैंने पहले मैंने झाड़ू लगाई आधी झाड़ी, तब तक कोई मेहमान आ गए थे, फिर वो बैठे थे बरामदे में, फिर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर मैं आई, सब्ज़ी बनाई और आटा गूंदा, तो तब तक वो चले गए थे। तो फिर मैंने पूरी झाड़ू लगा के, तो अब आई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। और ये भी नहा गए हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बस वैसे से बनाऊँगी। वैसे वैसे पहले मैं ससुर जी को दूँगी, फिर सास जी को दूँगी, तो ऐसे करके होता है मेरे सुबह का रूटीन। तो बस यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और साथ साथ बच्चों को भी बोल रही थी कि तुम भी अपना रूटीन कर लो, ब्रश वगैरह कर लो, फिर फ्रेश हो जाओ, तो बस इसलिए पीछे देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सीधे, मतलब यहाँ पर लगवा दिया है और कुछ नहीं लगा भी। मैं ये बर्तन वॉश करने आई थी, इस वजह से साथ जी ने कर दिए थे, बस हमारे ही बर्तन रह गए थे, तो वो वॉश करी थी। और यहाँ पर ये टोकरी थी बच्चे, तो बस इसको वॉश कर रही थी। और वो मतलब ये ना ऐसे चिपचिपी भी नहीं थी, बट पता नहीं मतलब किनारे किनारे पे जम जाता है मैला वो था, तो बस टाइम लगा इसे काफ़ी साफ़ करने में। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सब चीज़ साफ़ करती रहूँगी, तो फिर दिवाली क्लीनिंग के लिए ज़्यादा आफत नहीं आएगी, क्योंकि किचन में ही ज़्यादा आफत आती है ना क्लीनिंग के लिए। तो बस ये टोकरी मैंने साफ़ कर दी है, मतलब वही दोनों तीनों पार्ट इसके साफ़ करूँगी। और इसके बाद मैं चले गई थी पोछा लगाने के लिए, तो यहाँ पर ससुर जी के रूम पर आई हूँ सबसे पहले, तो वो लेटे हुए हैं। उनके ना कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है, तो कमर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे लेटे हुए थे। और मैं जल्दी जल्दी पोछा मारी थी बिना आवाज़ के, क्योंकि होता है ना कोई सो रखा है तो डिस्टर्ब होता है। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी, मतलब मैंने सब जगह लगा लिया था पोछा। और अब मेरा रूम की हालत तो बहुत बुरी हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसे तब लास्ट में करूँगी, तो यहाँ पर आ गई थी। पहले वो ये जो इसके ऊपर सामान है बिखरा हुआ उसे समेटूँगी, जो जो जहाँ की चीज़ें हैं वो हैं, बच्चे ना फैला देते हैं एक दोनों, कुछ यहाँ टीवी देखने के लिए भी नहीं रहता। टीवी है बट वो ये फ्री वाला चैनल है, तो देखने के लिए भी नहीं रहता उनके पास, तो फिर वो फैला ही देते हैं, मतलब वो ये निकलते हैं वो निकालते हैं। और ये फ़ैन संभालना है, ये फ़ैन अभी आएंगे ना तो बेड के अंदर पता नहीं कहाँ रखना है, तो यही रखेंगे, तो इस वजह से ये फ़ैन बाहर ही, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, अब इतनी दिक्कत नहीं है मौसम में। तो बस और ये कर दिया मैंने खाली अपना, ये टेबल खाली कर दिया है अपना। तो बस ये यहाँ पे रोटी सब्जी बची हुई थी वो भी यहीं रखी है, तो वो रख के आऊँगी। तो बस यहाँ पे डाइनिंग टेबल मेरा खाली हो गया है, और बॉटल तो एक रहती है पानी की हमेशा ही। और ना सॉरी आपको बैकग्राउंड वाइज बहुत आ रही, क्योंकि घर वो उस पर ना रोड पे, और यहाँ से ना गाड़ियाँ बाइक वगैरह जाती रहती, तो इस वजह से। और यहाँ पर कुछ कपड़े थे वो मैंने रख दिए, मैंने अंदर संभाल दिए हैं, तो अब मैं ना पानी डाल दूँगी सीधे इसमें, मतलब पानी के छींटे डाल दूँगी और कपड़े से, नहीं कपड़े नहीं रखे मैंने ना, कपड़ा निकाला है साफ़ करने के लिए। बच्चों के ऐसे बहुत है अभी जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, तो उन्हें साफ़ कर दूँगी मैं। तो बस डस्टिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, हल्का गीला तो हो ही गया कपड़ा, तो उसी से ही चेयर्स वगैरह पोछ लूँगी। और साथ साथ मैं पोछा भी लगा रही हूँ, जिससे ये है कि मतलब फिर ये है कि चेयर इधर उधर करनी पड़ती है ना, तो इस वजह से पोछा भी लगा रही हूँ साथ में। तो बस पोछा मार रही हूँ, और वैसे तो इनकी डीप क्लीनिंग करनी है, वही है जब दिवाली क्लीनिंग करूँगी तभी ढंग से करूँगी, दो दो बार कौन मेहनत करे, तो पर ये कि हल्की हल्की तो पोछनी पड़ेंगी। तो बस साथ साथ पोछा लगा रही हूँ और अपने रूम का। तो यहाँ पे मैंने ना ये कपड़ा ना हमेशा ये मैंने बुना हुआ नीचे आ जाता है, पता नहीं कैसे बच्चे ना खींचते हैं जैसे डोर, और इसके ऊपर फिर मैंने कागज़ रखा हुआ है, तो उसको साफ़ कर रही हूँ। और बस ऐसे ही अपने रूम की सफाई करती रहूँगी, और मतलब अच्छा लगता है यार अपने घर को साफ़ करना, और ख़ासकर अपने जो दहेज का सामान रहता है उसे साफ़ करना यादगार है मेरे पापा की। मेरे पापा तो चले जाएंगे, लेकिन ये सामान मेरे पास है सही सलामत, तो बस यादगार रहती है मम्मी पापा की। तो बेड भी साफ़ करी थी, और किताबें लाई थी बच्चों की ना, बच्चों ने यहाँ से निकाली, पता नहीं कहाँ से ये किताबें निकाली, आई नहीं रही थी इसके अंदर अब, तो मैंने फिर बगल वाले टेबल में ही एडजस्ट कर दिया इसे। और ये तो वैसे एक्स्ट्रा हैं, और जो इनकी बुक्स हैं वो भी लाई हूँ, क्योंकि नहीं तो बच्चों का ना रूटीन छूट जाता है। राइटिंग प्रैक्टिस करवा रही हूँ उन्हें ना, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो है बच्चों की, दोनों बच्चों की मेरी, तो इस वजह से उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस करा रही हूँ, थोड़ा वो भी है सुधर भी जाती है राइटिंग। तो बस यहाँ पे ये बेड ना हमने एक बार पॉलिश करवा दिया, पहले ये पहले बहुत प्यारा कलर था इसका, पॉलिश करवाया तो उसने इतना खास नहीं किया पॉलिश ना, नहीं तो बहुत प्यारा था पहले, तो वो पॉलिश नहीं कर पाया वो जैसी पहले थी,
चेंज तो हो ही जाता है, कोई चीज़ जो भी नहीं बनाओ तो वो चेंज हो ही जाती है। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे ये, उस समय जैसे हम जाते हैं तो वो धुले रहते हैं, वो फिर अलमारी में डाल देते तो वही कपड़े ये थे। तो बस यहाँ पे अब बेडशीट भी ठीक कर दूँगी और पूरा रूम हो जाएगा मेरा साफ। और इसके बाद लास्ट, पहले से ही मेरी आदत है कि मैं अपने रूम को ना लास्ट में ही सही करती थी, पहले पूरा घर समेट देती थी, पूरा घर साफ़ कर देती थी उसके बाद, क्योंकि यही मेरा ज़्यादा काम हो जाता है। और जगह तो ये कि सब अपना मतलब सास जी हैं, ससुर जी हैं, अपना वो साफ़ रखते हैं सब चीज़, और वो बेड वो मतलब बैठक भी ऐसा कि वो साफ़ रहता है, वहाँ कौन फैलाता है। ये रूम ऐसे है, बच्चे मेरे साथ रहते हैं तो फिर फैलता भी सारा सामान हमारा यहीं वो हो जाता है। तो बस बेड वगैरह साफ़ हो गए हैं, साथ साथ पोछा लगा दूँगी तो फिर हो जाएगा मेरा मतलब मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म हो जाएगा। और अभी 10 भी नहीं बजे थे, शायद 10 बज गए होंगे, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा होगा। तो बस मैंने कहा चलो एक झलक दिखलाती हूँ आपको। और पर्दे हमने अभी चेंज किए हैं, और पहले वाले पर्दे ना थोड़ा सा फट गए थे तो इस वजह से ये हल्के वाले, वो बहुत भारी पर्दे हैं तो ये हल्के वाले ला दिए थे। मैंने कहा चलो कभी कभार चेंज करने के लिए, तो मैंने कहा चलो पूरा रूम का लुक आपको देती हूँ। तो ये है हमारा रूम, सब कुछ भरा पड़ा है इसी रूम में। तो बस और इसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, कपड़े वगैरह वॉश किए और फिर आके मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने लगी थी, क्योंकि वही है रूटीन बना रहे बच्चों का। तो पहले तो वो मैंने तेल वगैरह लगाया ना, तो मैं धूप में बैठी थी, बच्चे अंदर पढ़, बच्चों को मैंने पहले ही पढ़ने के लिए बिठा दिया था, काम दे दिया था उन्हें कि ये करो वो करो, और तो फिर यहाँ पे बैठ गए थे। और वो आज हम बना रहे हैं हरा साग, वही कद्दू के पत्ते, राई के पत्ते वगैरह हैं, वो सास जी ने उबाल दिए हैं तो वो पीसूंगी अब बस, और वही बनाऊंगी साग और चावल। और आज पता है फर्स्ट टाइम हनु ने चटनी में रोटी खाई है, फर्स्ट टाइम उसने ट्राई किया चटनी और इतनी पसंद आई। बनाई भी मैंने तिल की चटनी थी ना, तो वो टेस्टी भी होती है, थोड़ा उसका टेस्ट अलग होता है, तो इतनी पसंद आई उसने ना रात, उसने दिन में चावल भी उसी में ही खाए, चटनी में ही। तो अच्छा है, धीरे धीरे बच्चों का वो है ना टेस्ट ऑफ टंग, वो टेस्ट ऑफ टंग चेंज होता रहता है, तो वो आ गया है। मतलब पहले ये था बच्चे मिर्च वगैरह नहीं इतना खाते थे, लेकिन अब खाने लगे हैं और हर चीज़ मिर्च से जुड़ी हुई हर चीज़ खाने लगे हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि फिर ये होता है कि कुछ चीज़ बनाओ तो ये होता है कि सब खाएंगे, नहीं तो फिर यही रहता कि हम नहीं खाना है। चटनी जैसे हम बनाते थे तो सिर्फ हम दो ही खाते थे, बट अब ये कि बच्चे खाने लगे तो अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा, बोल रहा है मम्मी आप मेरे लिए बनाना, मैं स्कूल भी इसी को ही ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है स्कूल भी ले जाना। तो ये है कि धीरे धीरे बच्चों के ग्रो होता ही रहता है ना, टेस्ट ग्रो होता रहता है। तो बस चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।